बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपका किचन विद आसिया में। तो आज मैं बना रही हूँ बेकरी स्टाइल रस। तो रस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, 4 टेबलस्पून घी के, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 5 टेबलस्पून भर के जाएगा मिल्क पाउडर, और 1/2 कप इसमें जाएगी कैस्टर शुगर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ब्रेड इम्प्रूवर, और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा ईस्ट, और 1 पिंच मैंने लिया है बेकिंग सोडे का। ये है ईस्ट, ये इजीली मिल जाती है, और ये है ब्रेड इम्प्रूवर, ये मिलेगा आपको किसी बड़े जो है ना सुपर स्टोर से। तो बस ये चीज़ें चाहिए हमें रस बनाने के लिए। सबसे पहले हमने चीज़ों को मिक्स करना है, ड्राई चीज़ों को। चीनी जा रही है, ब्रेड इम्प्रूवर जा रहा है, ईस्ट, मिल्क पाउडर, सॉल्ट थोड़ा डालना और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इसके अलावा इसको सारा पहले मिक्स कर लेंगे। अंदर हमने घी डाल देना है, और घी को हमने अच्छा सा वेल कंबाइन करना है। ये 1 कप है नीम गरम पानी, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करनी है, ना बहुत ज़्यादा आपने लिक्विड कर लेना है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए डो। ये देखें इतना पानी मेरा बच गया है। इस तरह के आपने डो करके उसके बाद आपने इसको काउंटर टॉप पे निकाल लेना है। जो रिमेनिंग रह गया था घी उसको आपने स्प्रेड कर लेना है, और अब आपने इसको तब तक वेल कंबाइन करना है जब तक ये हाथों पे स्टिक करना बंद ना हो जाए। चलें, इसको अब आपने उसी बाउल में रख के इसको आपने राइज होने देना है। कवर करके आपने इसको किसी गर्म जगह पे रख देना है। जी तो ये देखें अच्छे से राइज हो गई है। अब इसको निकाल के आपने मोल्ड में रखना है, आपने मोल्ड ले लेना है, और मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया। अब इसको रखने का तरीका क्या है, फैलानी है आपने पहले डो को, और फिर जिस तरह ब्रेड की शेप है ना आपने उसको दे के उसके बाद रोल करना है इसको अंदर की तरफ। जितना आपका मोल्ड है उस हिसाब से आप इसको बेल लें। ये हो गया, अब इसको प्री हीटेड पतीले में रखते हैं। ये मैंने रख दिया है, अब इसको कवर करके 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। जी तो ये देखिए यहाँ पे 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर से कवर करके स्टोव आपने ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। जब अच्छा सा ठंडा हो जाएगा हम इसकी कटिंग करेंगे, और फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ। ये हो गया, अब इसकी करते हैं कटिंग। ये
रस्सियों की कटिंग हो गई है, अब आपने क्या करना है, मेरे पास माइक्रोवेव है तो मैं माइक्रोवेव में इसको 1 मिनट लगा लूंगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव कोई नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने इसको प्रॉपर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद दोबारा से आपने इसको पतीले में रख के एक साइड से 5 मिनट के लिए बेक करना, उसके बाद दूसरी साइड से करना है, ठीक है। तब चलते हैं माइक्रो में रखने की तरफ। ये मैंने रख दी है, अब इसको 2 मिनट के लिए हमने बेक करना है। ये हो गया, इसको निकाल के आपने कूलिंग रैंक पे रख के इसको ठंडा करना है, उसके बाद ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो देखें तैयार है मेरे बहुत ही मजेदार क्रिस्पी रस, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और इसको ट्राई करके इसका फीडबैक मुझे जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ, इतने ही क्रिस्पी ये बन गए हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल किचन में दासिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।